फिल्म और टीवी इंडस्ट्री के फेमस एक्टर ऋतुराज सिंह का 60 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया है। ऋतुराज सिंह फिलहाल टीवी शो अनुपमा में नजर आ रहे थे और उन्होंने बद्रीनाथ की दुल्हनिया में वरुण धवन के पिता का भी रोल किया था। बहुत ही कम लोग ये जानते होंगे कि ऋतुराज सिंह शाहरुख खान के बेस्ट फ्रेंड थे। जी हाँ, दोनों स्ट्रगल के दिनों के साथी थे और साथ में खूब थिएटर भी किया था। ऋतुराज सिंह हमेशा कहते थे कि जब भी कभी वो मुसीबत में होंगे तो शाहरुख ही सबसे पहले उनके पास आएंगे। वेल, ऋतुराज सिंह और शाहरुख खान ने बैरी जॉन के एक्टिंग स्टूडियो से शुरुआत की थी। दोनों को एक्टिंग का चस्का था, हीरो बनना चाहते थे तो इसीलिए थिएटर से शुरुआत की। दोनों बैरी जॉन के थिएटर ग्रुप टैग यानी थिएटर एक्शन ग्रुप का हिस्सा थे। दिल्ली में रहने के दौरान ऋतुराज सिंह और शाहरुख खान की दोस्ती काफी गहरी हो गई थी। वेल, ऋतुराज और शाहरुख की उम्र में सिर्फ एक साल का फासला था। ऋतुराज बैरी जॉन के थिएटर ग्रुप में 11 साल से जुड़े थे, लेकिन शाहरुख खान उनके 5 साल बाद थिएटर से जुड़े थे। इसके बावजूद दोनों की पक्की दोस्ती हो गई थी। ऋतुराज सिंह ने शाहरुख के 50वें बर्थडे पर इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में कई किस्से शेयर किए थे। ऋतुराज ने बताया था कि वो और शाहरुख एकदम चड्डी बड्डी यार थे। दोनों एक दूसरे के कपड़े भी पहन लेते थे। जब भी टाइम मिलता तो शाहरुख और ऋतुराज सिंह साथ में टाइम गुजारते। शाहरुख कई बार ऋतुराज को अपनी वैनिटी वैन में बुला लेते और साथ में सिगरेट पीते थे। वेल, थिएटर के बाद जहां शाहरुख बड़े स्टार बन गए, वहीं ऋतुराज स्ट्रगल ही करते रह गए, लेकिन उनके अंदर कभी भी जेलसी नहीं आई। ऋतुराज को ये देखकर बहुत खुशी होती थी कि शाहरुख जब भी उनसे मिलते तो वही पुराने दोस्त की तरह मिलते थे। यही नहीं, वो अपने बाकी दोस्तों से भी ऋतुराज सिंह को ये कहकर मिलवाते थे कि वो उनका सबसे पुराना दोस्त है। वेल, शाहरुख और ऋतुराज सिंह भले ही अक्सर नहीं मिल पाते थे, पर वो हमेशा कहते थे कि अगर कभी मुसीबत में हुआ तो शाहरुख ही सबसे पहले दौड़कर मेरे पास आएगा। और अब ऋतुराज इस दुनिया से चले गए, उनके अचानक निधन से दोस्त शाहरुख को वाकई तगड़ा झटका लगा होगा। वेल, आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आपका हमारी इस रिपोर्ट पर क्या है कहना हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। साथ ही ऐसे ही टीवी और बॉलीवुड से जुड़ी तमाम खबरें जानने के लिए आज ही फिल्म बीट को सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमारे ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहां पर भी हमें फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। हम आपसे मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।